हेलो स्टूडेंट्स आई एम दयाल चौधरी टीम सीएलसी केमिस्ट्री फैकल्टी केमिस्ट्री पंच में अपन ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक तो टेबल और केमिकल बॉन्डिंग दो पंच अपन पहले देख चुके हैं पंच पंद्रवा सोलवा आज अपन पंच सत्रहवा डिस्कस करेंगे जिसमें अपना टॉपिक रहेगा डी ब्लॉक एफ ब्लॉक एस ब्लॉक हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री देखो दो वीडियो आपको मिल चुके हैं एक तो केमिकल बॉन्डिंग का और एक टेबल का हाँ थोड़ा वीडियो लंबा है लेकिन एक चीज आप ध्यान रखो उसके चीज रह गई रिलेटेड ना रही होगी वो अलग बात है उसी सीरीज में अपने आगे चलते हुए आज इसको सत्रवे एपिसोड को देखेंगे तो एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना टेबल और केमिकल बॉन्डिंग आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रीड होता है ठीक है तो वहां पे थोड़ा सा आपको ज्यादा ध्यान देना है क्लियर आज पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं द जनरल इलेक्ट्रॉनिक ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब अपने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन देखना है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का क्लियर तो अपन यहां करते हैं एक बार डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कौन से होते हैं उनका देखते हैं डी ब्लॉक तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो आता है आपका एन माइनस वन डी वन टू टेन एन एस आपका वन टू क्लियर एन माइनस टू एफ आपका होना चाहिए अबसेंट तब ये कॉन्फ़िगरेशन आपका सही माना जाएगा कौन सा ये वाला फिर दूसरी चीज एक हो सकता है एन माइनस टू एफ फोर्टीन एन माइनस वन डी टू टू टेन एन एस वन टू तो ये भी आपके डी ब्लॉक का होगा ध्यान रखना अगर आपका एन माइनस टू एफ प्रजेंट है तो वो कंप्लीट फिल होना चाहिए और डी में टू से टेन इलेक्ट्रॉन होने चाहिए क्लियर अगर आपका एन माइनस टू एफ प्रजेंट है और डी में जीरो या वन इलेक्ट्रॉन है तो वो हमेशा आपका रिलेटेड रहेगा किससे ब्लॉक से क्लियर इसलिए मैंने यहां पे बात की है दो से दस इलेक्ट्रॉन की क्लियर तो यहां पे आ जाओ जो कॉन्फिग्रेशन आपका ब्लॉक और ट्रांजिशन एलिमेंट किसको कहते हैं अपन डी ब्लॉक वालों को तो कहते हैं तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स वालों के लिए आपका यही जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन बन जाएगा फिर अपन इसी सीरीज में एक और पढ़ते हैं नॉन ट्रांजिशनल एलिमेंट तो नॉन ट्रांजिशनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं जिनका पेनल्टी में और आपका उपांत्य बोले जो वो सेल कंप्लीटली फिल्ड हो तो उनके लिए नॉन ट्रांजिशनल के लिए क्या होता है नॉन ट्रांजिशनल क्या होता है एन माइनस टू एफ कंप्लीटली फिल्ड होगा एन माइनस वन डी भी कंप्लीटली फिल्ड होगा और एनएस टू इसमें भी कंप्लीटली फिल्ड होंगे या आप ये मान लो एन माइनस वन डी टेन और एनएस टू यह आपको ध्यान रखना है क्लियर तो दो सीरीज हो गई एक तो कौन सी ट्रांजिशनल के लिए ये नॉन ट्रांजिशनल के लिए यहां पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए पूछा है तो अपना कौन सा कॉन्फिग्रेशन मैच कर रहा है थर्ड तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है लेड कंट्रक्शन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर आपका जो लेंथ एनोइड कंट्रक्शन है किसके लिए रे, रेस्पोंसिबल है लेंथ एनोइड संकुचन की बात कर रहा है सबसे पहले याद देखो लेंथ एनोइड संकुचन होता है क्या है तो देखो जब भी आप एब्लो के एलिमेंट्स की बात करते हो तो जो लेंथ एनोइड सीरीज है उसमें इलेक्ट्रॉन किसमें पर आ जाता है फोर सीरीज फोर एफ सबसेल में अब फोर जो पेरिडिक सबसेल है ना वो थोड़ी डिफ्यूज है है कहने का मतलब इस वजह से वहां पर जो सेल्डिंग इफेक्ट होता है आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वो कम होता है और आपको पता है जब स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता है तो जेड इफेक्ट बढ़ जाता है क्लियर आप ये ध्यान रखो फॉर एप कैसा है डिफ्यूज है इस वजह से इसका जो सेल्डिंग इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा और जब सेल्डिंग इफेक्ट डिक्रीज हो जाएगा तो जेड इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा जेड इफेक्ट इंक्रीज होने का मतलब है साइज आपकी क्या होगी डिक्रीज होगी तो यह ध्यान रखो फोर एफ सीरीज में जब एल टू आर अपन चलते हैं तो आपकी साइज क्या होती है डिक्रीज होती है राइट फिर आगे अपन इसको थोड़ा सा देखते हैं इनकी पोजिशन जिनका यहां पर कंपेरिजन करवा रहा है ठीक है इसी से देखेंगे अपन आगे तो थोड़ा देखो फोर डी सीरीज में फिर फाइव डी सीरीज और ये आपकी कौन सी आगे थ्री डी सीरीज मतलब ये तो आपका बात तो भी रखना। कहने का मतलब फोर्थ से लेकर के, मतलब ले के ट्वेल्व तक ये अप्लाई होता है डी ब्लॉक में क्लियर अब देखो इसमें थ्री डी सीरीज से फोर्थी में जाएंगे तो साइज इंक्रीज होगी फिर क्या होगा यहां पर 4d के बाद में और 5d से पहले यहां पे इलेक्ट्रॉन किस में गया है 4f सीरीज में गया है 4f की साइज क्या है डिफ्यूज्ड है जिस भी वजह से क्या हो जाएगा सेल्डिंग इफेक्ट कम हो जाएगा जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो साइज आपकी लेंथ लेंथेनोइड सीरीज में लगातार क्या हो रही थी कम हो रही थी इस वजह से क्या होगा यहां पर इनकी साइज ऑलमोस्ट सेम रह जाएगी इसी को अपन क्या बोलते हैं लेंथेनोइड कंट्रैक्शन

ये आपका कौन सी सीरीज से फोर डी से यह भी आपका किस से है फोर डी से मतलब यहाँ पे भी नहीं लगेगा यह आपका कौन से है फोर डी सीरीज से यह कौन सी से है फाइव डी सीरीज से अब सीरीज तो यह आ गई जहां पर हो सकता है अब यह देखना है कि एक ही ग्रुप के हैं क्या तो आप देख लो अगर मैं फोर्थ बी ग्रुप बनाता हूं तो क्या होता है टाइटेनियम हो गया उसके नीचे कौन हो गया आपका फिर इसके नीचे कौन आ गया तो समझ गए होंगे आप सेवेंटी टू फोर्टी और ये आपका ट्वेंटी टू तो देखो यहां पे साइज इंक्रीज होती है लेकिन यहां ऑलमोस्ट सेम हो गई रीजन क्या हो गया लेंथ एनोइड कंट्रेक्शन तो अपना आंसर कौन सा चला गया थर्ड चला गया ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडी ऑफ ये ट्रिब्यूम ये प्लस थ्री आई ना भाई ये ध्यान रखना क्लियर प्लस थ्री आई नहीं टाइपिंग में हो गया कोई बात नहीं ठीक कर लेते हैं अपन ठीक है तो इनमें आपको क्या करना है आयनिक रेडी का ऑर्डर बताना है ठीक है तो आयनिक रेडी का जो ऑर्डर बताया जाएगा तो आप यहां पे देखो ये लेंथेनोइड सीरीज के एलिमेंट है क्लियर ये लेंथेनोइड लेंथेनम है तो आप यहां से देखो आप अपने पहले का पीछे वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि लेंथेनोइड सीरीज में एल टू आर चलते हैं तो साइज क्या होती है कम होती है किसकी वजह से लेंथेनोइड एनोइ की वजह से तो सबसे स्मॉल तो कौन सा हो गया लार्ज तो कौन सा हो गया लेंथेनम एनम प्लस थ्री इससे स्मॉल कौन सा हो जाएगा यूरोपियम प्लस थ्री और इससे स्मॉल कौन सा चला जाएगा प्लस थ्री। अब सवाल ये ट्रिपियम तो ये ये फिर उसके बाद में लेंथेनम और ये एक्टिनम तो आपको पता है लेंथेनोइड कंट्रेक्शन तो लेंथेनोइड लेंथेनम के बाद से लगेगा इससे पहले तो कोई कंट्रेक्शन है ही नहीं ना क्योंकि सीरीज तो इसके बाद में भरी जा रही है इसीलिए मैंने उस सवाल में डिस्कस किया था तो मैंने क्या कहा था कि वो आपका फोर्थ से ट्वेल्व ग्रुप तक लगेगा मैंने आपके थर्ड ग्रुप की 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 तो बात ही नहीं नहीं थी थी वो इसीलिए ठीक थी, तो है से, तो अब कितना छोटा होता है क्या इनसे भी स्मॉल हो जाएगा तो इसको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा ये आपका कहां पर जाएगा साइज यहां पर जाएगा तो ऐसा ऑप्शन आपका कौन सा हो गया ये आ गया राइट बिल्कुल तो आप थर्ड आंसर इसका हो गया एक चीज का ध्यान रखना ये साइज के डी ब्लॉक में या लेंथिनोइड में कुछ ऑर्डर्स ऐसे होते हैं जिनमें अपना रूल क्या होता है थोड़ा एक्सेप्शन में चला जाता है तो मेरा यह मानना है कि ऐसे सवालों को करने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन में सिंपल सा है जब ब्लॉक सिस्टम शुरू हो जाए ना तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आप बढ़ाओ थ्योरी एक बार पढ़ ली उसके बाद में कोई समझने जैसा ज्यादा मुद्दा इसमें होता नहीं है तो जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आप ज्यादा सोल्व करोगे तो आप नए नए ऑर्डर फेस करोगे क्लियर तो वहां से आपको यह ध्यान पड़ जाएगा क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन द मेन रीजन फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एक्जीबिट बाई एक्टेनोइडिंग कह रहा है कि की कंपेरिजन में एक्टेनोइडो के द्वारा ऑक्सीडेशन अवस्थाएं क्या होती हैं ज्यादा प्रदर्शित की जाती है जैसे ये कहा जाता है कि लेंथेनोइड किन इनकी जनरल जो ऑक्सीडेशन स्टेज है वो है प्लस थ्री मतलब लेंथेनोइड सीरीज वालों की ऑक्सीकरण अवस्था प्लस थ्री सामान्य होती है और एक्टेनोइड की भी प्लस थ्री होती है इसके अलावा लेंथेनोइड के क्या करते हैं अर्ध अर्धपूरित और पूर्ण पूर्णपूरित कक्षकों के स्थायित्व तो के लिए मतलब हाफ फिल और फुल फिल जैसे एब में होने वाला हो तो वहां पर वो थोड़ा अलग ऑक्सीडेशन ऑक्सिडेशन शो कर सकता है इसके लिए या फिर एप में फोर्टीन बचने वाला हो उस समय वहां पे थोड़ा अलग शो कर सकता है तो एफ जीरो एब सेवन, एब की वजह की से वो कई बार प्लस टू भी शो कर जाते हैं कई बार प्लस फोर भी शो कर जाते हैं बाकी लेंथ एनोइड में जनरली प्लस थ्री चलती है अब यह कह रहा है कि इनमें तो प्लस थ्री चल रही है ठीक है यह एक दो ने वे कर दी लेकिन एक्टिनोइड वाले तो देते हैं लगभग कैसे देते हैं उसका रीजन देखो देखो आप यू समझो एक्टिनोइड सीरीज की मैं बात करूं तो यूरो यूरेनियम हो गया वो प्लस सिक्स तक दे देता है इसके अलावा जैसे आपका प्लूटोनियम हो गया यह गया हो गया ठीक है तो ये आपके कहां तक चले जाते हैं प्लस सेवन तक ऑक्सीडेशन स्टेज भी आपके दे देते हैं उसका रीजन क्या है ये लार्ज नंबर में ऑक्सीडेशन स्टेज क्यों से होकर तो देखो यहां पे क्या होता है उसका रीजन समझ लो आप इलेक्ट्रॉन कहा जाता है इसमें फाइव एप में जाता है और फोर डी में जाता है सॉरी सिक्स डी में जाता है और सीरीज में इलेक्ट्रॉन कहा जाता है फोर एप और आपका फाइव डी सीरीज में क्लियर तो देखो जब डी और एप के इलेक्ट्रॉन दोनों बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व कब होंगे जब इनके बीच एनर्जी डिफरेंस कम हो क्लियर और यहाँ के दोनों का भी इन्वॉल्व होंगे जब दोनों का एनर्जी डिफरेंस कम हो तो एक्चुअली क्या होता है यहाँ थोड़ा लार्ज एनर्जी डिफरेंस होता है तो एफ वाले बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं हो पाते तो जो बॉन्डिंग होती है वो ये तो एस और डी की वजह से ही होती है तो एस में दो होते हैं डी में इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है तो ये प्लस थ्री देता है जनरली लेकिन यहां अपन बात करें तो इन दोनों के बीच क्या होता है कि एनर्जी डिफरेंस इनके कंपैरिजन में बहुत कम होता है या ये मान लो इन दोनों की एनर्जी है वो ऑलमोस्ट सेम होती है इस वजह से बॉन्ड फॉर्मेशन में डी वाला भी इन्वॉल्व हो जाता है और एफ वाला भी इन्वॉल्व हो जाता है क्लियर तो यही हो गया रीजन कि फाइव एफ और आपका सिक्स डी होता है इनके बीच क्या होता है जो एनर्जी डिफरेंस है मतलब ऊर्जा अंतराल है वो कम होता है इसलिए ये लार्ज नंबर में ऑक्सीडेशन स्टेज शो करते हैं और ये क्वेश्चन आपका ए में भी पूछा हुआ है ट्रिपली में भी पूछा हुआ है मतलब ये ये लैंग्वेज चेंज करके ये सा आपके सामने फेस हो चुका है दो बार एक एन में आप इसको आराम से देख सकते हो उस पे भी लैंग्वेज देर की है इसकी तो पहला कह रहा है कि लेजर एनर्जी डिफरेंस बिटवीन फाइव एफ सिक्स डी देन बिटवीन फोर एफ फाइव डी ये कह रहा है कि फाइव डी व सिक्स डी कक्षकों के बीच फोर एप व फाइव डी कक्षकों के कंपेरिजन में एनर्जी डिफरेंस कम होता है तो बिल्कुल सही बात है इसी की वजह से ये अपना क्या करते हैं ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेज शो करते हैं क्लियर लेंथेनोइड की अपेक्षा एक एक्टिनोइड का आकार बड़ा नहीं लेंथेनोइड के कंपेरिजन में तो एक्टिनोइड का थोड़ा छोटा ही मिलेगा आपका यह भी नहीं हो सकता फाइव एफ सिक्स डी के बीच एनर्जी डिफरेंस कम होता है न कि ज्यादा ये भी गया लेंथ नोड की अपेक्षा एक एक्टिव नोड अधिक एक्टिव होते हैं तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई होती है तो एक्टिव यहाँ पर एक्टिवनेस का कोई इफेक्ट नहीं है तो आप सिंपल सी आप किसके साथ जाओगे फर्स्ट के साथ यहाँ पे चले जाओगे नेक्स्ट क्वेश्चन फॉलोइंग आयन इज द मोस्ट स्टेबल इन एक्व सोल्यूशन में से कौन सा आयन जलीय जलियन में सबसे ज्यादा स्थाई है तो एक चीज का ध्यान रखना अगर गैसेज मीडियम में मैं बात करूं ना तो D5 को अर्धपूरित विन्यास माना जाता है हाफ माना जाता है वो ज्यादा स्टेबल होता है लेकिन एक्वस मीडियम की बात करें तो एक्वस मीडियम मतलब वोटर आ गया और वोटर एक लिगेंड की तरह काम में आता है और जब किसी मेटल के पास लिगेंड आता है तो उसके डी इलेक्ट्रॉन में स्प्लिटिंग हो जाती है कोऑर्डिनेशन में अपन आपने पढ़ा होगा तो क्या होता है इसके अंदर जैसे ये एन माइनस वन डी है वन टू थ्री फोर फाइव तो जैसे ये एक्वस मीडियम आएगा एक्वस मीडियम का मतलब आपका यहां पर क्या आएगा वोटर आएगा वो आएगा तो वो लिगेंड का काम करेगा तो इसके डी को क्या कर देगा स्प्लिटिंग कर देगा इसमें तो टी टू जी तो नीचे रह गया और ये जी आपका ऊपर हो गया क्लियर अब देखो यहां पे आओ क्रोमियम क्रोमियम का कॉन्फिग्रेशन आपको पता है क्या होता है आर्गन तक तो सेम रहेगा उसके बाद में थ्री डी फाइव फोर एस वन होता है लेकिन जब मैं क्रोमियम प्लस थ्री की बात करूं तो ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो यहां जीरो क्लियर यहां से दो इलेक्ट्रॉन और निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन यहां कितने आ जाएंगे थ्री तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है क्रोमियम में एन माइनस वन डी में कितने हैं तीन इलेक्ट्रॉन है तो वो तीन ही आप कर दो क्लियर तो आप एक चीज देखो ये अलग अलग, अलग एनर्जी लेवल पे पहुंच गए ना तो कॉन्फिग्रेशन आपका क्या हो गया टी टू जी थ्री और ई जी जीरो तो ये तो पूरा वेकेंट है और इसमें टोटल सिक्स आ सकते हैं तीन है तो हाफ फील्ड हुआ कि नहीं हुआ तो एक्वस मीडियम में डी थ्री कॉन्फिग्रेशन को हाफ फिल माना जाता है किस वजह से इस वजह से क्लियर तो ये मतलब कि यहां पे स्टेबल हो गया फिर ऐसे में बात करता हूं तो ये स्टेबल और कंपैरिजन कर लेते हैं कितने पे आता है? टाइटेनियम और वेनेडियम। तो वेनेडियम का आपका क्या होता है तो सीधे वेनेडियम के पास आते हैं आ जाओ प्लस थ्री का ही लिखता हूं मैं सीधे आर्गन होता तो क्या है पहले वेनेडियम का ही देख लो तो होता क्या है वेनेडियम में 3d 3 4s2 अब वेनेडियम प्लस +3 है 3 इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव करो ये गया एक इलेक्ट्रॉन यहां से गया दो तो सिंपल सी चीज है n 1d में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे दो इलेक्ट्रॉन होंगे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे दो तो यहां पे भी कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप हो जाएंगे इसमें एक्वस मीडियम में दो तो हाफ फिल नहीं हुआ ना इसका मतलब स्टेबल है नहीं है ऐसे इसकी बात करें टाइटेनियम तो टाइटेनियम तो का का क्या हो जाएगा प्लस आर्गन टाइटे जीरो कॉन्फिग्रेशन फिल करके देख लेना तो एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा यहाँ एक रहेगा मतलब यह भी स्टेबल नहीं हुआ फिर मैग्नीज प्लस थ्री का देख लो तो इसका कॉन्फिगुरेशन क्या होगा आर्गन थ्री डी फोर फाइव एस जी फोर डी जीरो फिलअप करके देखे इलेक्ट्रॉन तो है फोर तो तीन तो यहां आ जाएंगे फोर यहां तो ये तो हाफ फिल हो गया लेकिन ये हाफ फिल है? नहीं है क्योंकि इसमें फोर इलेक्ट्रॉन आते हैं और एक ही है मतलब ये भी स्टेबल है नहीं है तो हमेशा ध्यान रखो एक्वस मीडियम में डी थ्री कॉन्फिग्रेशन को ज्यादा स्टेबल माना जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन च ऑफ द फॉलोइंग एग्जीबिट ओनली प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट ठीक है तो आप हमेशा ध्यान रखो थर्ड बी वाले हमेशा ओनली प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं क्लियर क्यों थर्ड बी वाले में देख लो कौन आ गया इसके आ गया लेनम आ गया और आपका एक्टेनम आ गया जब भी ये प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट देंगे तो इनका गैस आ जाएगा ये तो आर्गन बन जाएगी आपका ये क्या बन जाएगी आपका, बन जाएगी, ये आपका क्या बन जाएगी, जीनोन बन जाएगी और ये आपका क्या क्या बन बन जाएगी बन जाएगी उसका रीज़न है क्योंकि दो एस के और एक एक डी के तीन इलेक्ट्रॉन एक साथ निकलेंगे ताकि इन कॉन्फिगुरेशन मिल जाए तो कौन सा ऑप्शन ये। ये बाकी यहां है थोरियम यह भी आपका वेरिएबल वेरियबलेशन स्टेज करता है प्लस टू भी देता है प्लस थ्री भी देता है प्लस फोर भी देता है यूरेनियम अभी बताया था यह प्लस सिक्स तक देता है तो बाकी सब वेरिएबल देंगे क्लियर किसको छोड़ गए किसकोड़े तो हमेशा ध्यान रखो एलिमेंट में थर्ड बी सीरीज वाले और थर्ड बी में ब्लॉक वाले नहीं सिर्फ डी ब्लॉक वाले थर्ड बी ओनली डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्योंकि थर्ड बी में तो एब ब्लॉक भी आता है एब ब्लॉक वाले तो वेरिएबल देते हैं तो थर्ड बी में भी सिर्फ कौन सा

जो उनका एन माइनस वन डी है क्लियर वो क्या हो इनकंप्लीट हो तो उसको ट्रांजिशनल एलिमेंट कहा जाता है देखो इसके इंडियम आओ इसके इंडियम का क्या हो गया ये आर्गन थ्री डी वन फोर एस टू तो देखो ये आपका क्या है एन माइनस वन डी वन इलेक्ट्रॉन है टोटल कितने होते हैं टेन इनकंप्लीट है इसका मतलब यह ट्रांजिशनल एलिमेंट है क्लियर ऑक्सीडेशन स्टेज में फिर डी पूरा फिनिश हो जाएगा खाली हो जाएगा ठीक है तो इनकंप्लीट हो या कोई इलेक्ट्रॉन नहीं हो वो आपका ट्रांजिसन बन जाएगा कोई दिक्कत नहीं है इसके साथ इसके अलावा जिंक की मैं बात करूं तो जिंक का क्या होता है आर्गन एन माइनस वन डी में कितना इलेक्ट्रॉन है दस पूरा भरा हुआ है लेकिन मैंने क्या कहा कि आयनिक में अगर इनकम्प्लीट हो गया तो भी चलेगा ट्रांजिशन माना जाएगा तो आयनिक कौन सी देताई है प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेश प्लस टू में थ्री डी टेन फोर एस जीरो लो भैया एन माइनस वन डी टेन अभी भी ये पूरा भरा हुआ है इसका मतलब ना तो ये एटोमिक स्टेट में इनकम्प्लीट शो कर रहा है एन माइनस वन डी को ना आपके आयनिक स्टेट में शो कर रहा है ना ग्राउंड स्टेट में ना आयनिक स्टेट में इसका मतलब ये नॉन ट्रांजिशनल एलिमेंट है क्लियर तो आ जाओ ऑप्शन क्या कहता है इसके इंडियम प्लस थ्री जिंक प्लस टू आयन आर

बहुत जिंग डू नॉट वेरिएबल वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाले एलिमेंट नहीं होते ऐसे तो फिर scandium, तो ट्रांजिशनल होना ही नहीं चाहिए क्योंकि वो तो वेरिएबल देता ही नहीं है क्लियर ट्रांजिशनल का मतलब तो यह है कि उसका एन माइनस वन डी क्या हो पार्शियली कंप्लीट हो तो यह भी गया नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आया अगला क्वेश्चन देखते हैं रीजन ऑफ लेंथेनोइड कंट्रक्शन इज मैंने पहले बता दिया था लेंथेनोइड उसका आवरण नेगलिबल आपकी स्क्रीनिंग इफेक्ट किसकी एप की इनका जेड इफेक्ट ज्यादा होता है और यही इसके लेंथ एंड कंस्ट्रक्शन का रीजन बनता है तो आंसर कौन सा आ गया थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन

ठीक है तो जर्मन सिल्वर नाम ही जर्मन है बाकी इसमें सिल्वर नहीं होता है जैसे लेड पेंसिल नाम उसका लेड पेंसिल है बाकी लेड की क्वांटिटी उसमें जीरो परसेंट होती है प्योर ग्रेफाइड कार्बन का बना होता है ठीक है इसके अंदर आपका होता क्या है कॉपर होता है जिंक होता है निकल होता है कहीं पे कोई रोल नहीं है आपका किसका क्लियर नेक्स्ट एसिडिफाइड के टू सी आर टू ओ सेवन सोल ग्रीन है कि जब एसिडिक्री को तो ये कलर ग्रीन हो जाता है एक चीज का ध्यान रखना भाई के टू सी आर टू सेवन इसको आप यूं भी लिख सकते हैं सीआर टू ओ सेवन माइनस टू डाइक्रोमेटाइन ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है किसमें एसिडिक मीडियम में तो जब भी इसके पास कोई रिड्यूजिंग एजेंट आएगा तो ये खुद उसका क्या करेगा ऑक्सीडेशन करके खुद क्रोमियम प्लस थ्री में चला जाएगा ग्रीन कलर हो जाएगा इसका पहले कैसा होता है ऑरेंज ऑरेंज से ये कैसा हो जाएगा ग्रीन क्लियर तो यहां पे आओ आप ये रहा आपका के टू सी आर टू ओ सेवन इसकी रिएक्शन आप किससे करवा रहे हो एन ए टू एस ओ थ्री तो आप इस को डिसोसिएट करके देखो टू एन ए प्लस प्लस एसो थ्री माइनस टू तो SO3 थ्री माइनस टू की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है देख लो इसकी एक्स मान लो ऑक्सीजन की कितनी होती है माइनस टू कितने है? थ्री चार्ज इक्वल टू में तो एक्स इज कितना आ गया प्लस फोर तो ये प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेज में है और सल्फर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेज कर सकता है प्लस सिक्स मतलब आपका ये यहां पर है इसका ऑक्सीडाइजेशन किया जा सकता है तो बस ये इसका ऑक्सीडेशन कर देगा कौन यहा? ये वाला प्लस फोर है तो इसको ये बना देगा खुद क्रोमियम प्लस थ्री में जाता है ना तो खुद जाएगा क्रोमियम प्लस थ्री में और इसको ले जाएगा एसओ फोर क्लियर प्लस सिक्स में ले जाएगा तो इसकी वैलेंसी टू इसके साथ लग जाएगी इसकी थ्री इसके साथ लग जाएगी अपना आंसर कौन सा है ये रहा गया। इसमें ये प्लस में है ठीक है यह प्लस सिक्स में है तो यह तो नहीं गया ठीक है यहां पे देखो यह प्लस टू का में, में गया लेकिन एक चीज देखो यह प्लस फोर में भी प्लस फोर में, में तो इसने जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए गैन किसने ऑक्सीडेशन किसका हुआ नहीं हुआ ना इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा अपना आंसर कौन सा हो गया सेकेंड राइट right? बिल्कुल सिंपल सी चीज है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इन एसिडिक मीडिया में क्रोमेट चेंज टू एक चीज का ध्यान रखना भाई हमेशा ध्यान रखना जब आपका सोल्यूशन न्यूट्रल होता है तो सी आर टू ओ सेवन माइनस टू और आपका क्रोमेट एन ये दोनों इक्विलिब्रियम में होते हैं इसकी कलर वजह से ऑरेंज कलर होता है और इसका कलर है येलो होता है क्लियर जब आप बेसिक मीडियम देते हो तो ये क्या करता है क्रोमेट में चला जाता है और जब एसिडिक मीडियम देते हो तो इधर आ जाता है तो ये कह रहा है कि इसको आप एसिडिक मीडियम दे रहे हो तो एसिडिक मीडियम दे रहे हो तो किधर आ जाएगा डाइक्रोमेटाइन में आ जाएगा डाइक्रोमेटाइन कौन सा है सी आर टू ओ सेवन माइनस टू थोड़ा यह करेक्शन है इसको ठीक कर लीजिएगा क्लियर आपका कौन सा जाएगा? आ जाएगा फर्स्ट आंसर आ जाएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं द एसिडिक बेसिक और एम्फोटेरिक नेचरों पे मैग्नीज ऑक्साइड वेनेडियम ऑक्साइड और आपके पास है क्रोमियम ऑक्साइड एक चीज का ध्यान रखना भाई डी ब्लॉक के ऑक्साइड के लिए ओनली फॉर डी ब्लॉक ऑक्साइड ऑक्साइड बाकी पूरे पढ़ा दिए थे आपको ओनली फॉर डी ब्लॉक ऑक्साइड डी के ऑक्साइड के लिए अप्लाई होगा ये, है हायर ऑक्सीडेशन में हो कौन कौन सी जैसे आपका प्लस फाइव प्लस सिक्स प्लस सेवन तो ऐसे ऑक्साइड आपके हमेशा एसिडिक होंगे और कोवेलेंट होंगे क्लियर इसमें एक एक्सेप्शन है वी टू ओ फाइव यह आपका कैसा होता है प्लस फाइव में होकर के भी यह कैसा है ये आपको ध्यान रखना है यह आपका प्लस फाइव में है कौन यह और प्लस फाइव में होकर के भी आपका कैसा है एम्पोटेरिक है उसके बाद में अपन बात करें मॉडरेट ऑक्सीडेशन स्टेट या इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेज बोले तो प्लस फोर प्लस फोर में होंगे तो वो कैसे होंगे हमेशा क्लियर और अगर ऑक्सीडेशन में डी ब्लॉक वाले तीन पॉइंट हो गए अपने ये ध्यान रखना लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर ये आ गए तो ऐसे में क्या होंगे जैसे प्लस वन हो गई प्लस टू हो गई प्लस थ्री हो गई तो ये हमेशा होंगे बेसिक और आयोनिक इसमें भी एक एक्सेप्शन है सी आर टू ओ थ्री यह कैसा है प्लस थ्री में है फिर भी यह कैसा माना जाएगा एम्फोटेरिक तो इससे एक चीज समझ में आ गई डी ब्लॉक वाली मेटल है हायर ऑक्सीडेशन स्टेज प्लस फोर सॉरी प्लस फाइव प्लस सिक्स प्लस सेवन में आपके क्या होते हैं एसिडिक और कोवेलेंट नेचर शो करते हैं और एक्सेप्शन आ गया में दूसरी इंटरमीडिएट या मॉडरेट ऑक्सीडेशन स्टेज होती है, मतलब कि प्लस 4 में होते है तो उस समय ये एम्पोटेरिक बन जाते हैं एम्पोटेरिक क्या होते हैं ये अपन ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था पूरा मतलब जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करें उसके बाद में आता है आपका कौन सा थर्ड टाइप के अगर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो कम हो फॉर एग्जाम्पल जैसे प्लस वन हो गई प्लस टू हो गई प्लस थ्री हो गई तो ऐसे में ये ऑक्साइड आपके क्या हो जाएंगे बेसिक और आयनिक हो जाएंगे क्लियर हाँ एक चीज का आपको यहां पे ध्यान रखना है इसमें भी एक्सेप्शन है क्रोमियम अपनी प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में भी एम्फोटेरिक रहता है तो आ जाओ यहाँ पे ये किस में है ऑक्सीडेशन स्टेट सोल्व कर लो सोल्व कर लो कैसे करोगे मैग्नीज एम एन टू ओर सेवन जिसकी मेजर करनी होती है उसको कैलकुलेट करनी होती है उसको एक्स मान लो तो दो में एक नहीं जाए तो टू एक्स ऑक्सीजन की माइनस टू होती है सेवन है कोई चार्ज इसका है नहीं तो एक्स टू क्या आ गया प्लस सेवन तो ये प्लस सेवन में सेम ऐसे इसकी मेजर कर लेना ये आपका किस में है प्लस फाइव में है और ये किस में है प्लस टू में तो प्लस टू में है तो ये तो बन गया बेसिक ये आपका बताई दिया कैसा हो गया एम्पोटेरिक और यह आपका कैसा आ गया एसिडिक तो अपना आंसर क्या हो गया पहला तो एसिडिक है दूसरा एसिडिक है गया पहला बेसिक है यहीं पे चला गया तो ये फॉल्स ये फॉल्स पहला एसिडिक है बिल्कुल सही बात है दूसरा एम्पोटेरिक है ये भी सही है ये बेसिक है परफेक्ट पहला एसिडिक है सही बात है ये बेसिक नहीं है ये बेसिक है ये सही बात है तो ये भी गया अपना आंसर क्या हो गया थर्ड बिल्कुल सिंपल सी चीज है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ए इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर इन द सीरीज इज श्रेणी में आरोही ऑक्सीकरण शक्ति का सही ऑर्डर है तो देखो सबसे पहले तो मैं इनका बता देता हूं क्लियर सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है आपका एम माइनस जब वो बेसिक मीडियम में होता है फिर उसके बाद में होता है एम एन ओ माइनस जब वो आपका कैसा होता है एसिडिक मीडियम में होता है फिर आपका होता है सी आर टू ओ सेवन माइनस टू कब जब आपका ये एसिडिक मीडियम में होता है बेसिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम है नहीं करता है कौन डाइक्रोमेट उसका रीजन क्या है इसमें क्या होता है जब ये बेसिक मीडियम में आता है तो CrO Cr डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड O O माइनस डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O माइनस जब ओ बेसिक मीडियम देते हो ना तो एक्चुअली क्या करता है ये यहां से क्लीवेज होता है तो एच इसके साथ जुड़ करके यहाँ से ये यह इसको निकाल देता है मतलब ये बेसिक ग्रुप के लिए यहां से ये तो पता चल गया कि ये ज्यादा है और ये कम है ऑक्सीडाइजिंग पावर यहाँ पे देखो ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनता ये अभी तो आपका कौन सी में है मेजर करके देख लो इसकी प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका तो यहाँ पर क्या होना है क्योंकि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की डी ब्लॉक वालों की स्टेबिलिटी होती है तो वही सिंपल सी चीज ये यहां पर है इसके प्लस ज्यादा स्टेबल होती है तो ये तो आगे की ओर जाने की कोशिश करेगा तो इसका ऑक्सीडेशन होगा ना कि रिडक्शन होगा तो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हो गया ये फिर ये और फिर आपका ये तो आंसर कौन सा चला गया आपका फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर पैरामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक हमेशा ध्यान रखना पैरामैग्नेटिज्म डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है एन एन क्या है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अभी यहां पे कोई लिगेंड विगेंड तो है नहीं ये फ्री स्टेट में ही है तो देख लो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही इनका एपी प्लस टू का देखें तो इसका क्या होता है आर्गन थ्री डी सिक्स फोर एस जीरो भाई आयरन का क्या होता है थ्री डी सिक्स फोर एस टू प्लस टू में है दो इलेक्ट्रॉन निकल गए अब बच गया ये तो इसका बना के देखो वन टू थ्री फोर तो कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप करने सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए इसके पास फोर आ गए एफी प्लस थ्री आ गया एप्लस थ्री आते देखो ये लो प्लस थ्री एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव हो जाएगा यहां हो गए फाइप तो अब फाइप ही फिलअप करने हैं आपको ये लो तो अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने आ गए आ गए सिंपल सी चीजें का फिलअप करना है तो आ जाओ क्रोमियम प्लस थ्री के पास आ जाओ ये रहा आपका क्रोमियम प्लस थ्री क्या होता है आर्गन थ्री डी फाइव फोर एसवन क्रोमियम का है क्रोमियम प्लस थ्री मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकला दो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गए तीन तो तीन इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दो तीन तीन कर दिए कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन है तीन है तो इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गया थ्री फिर आता है मैग्नीज प्लस थ्री तो मैग्नीज कितने नंबर पे आता है पच्चीस पे तो पच्चीस के हिसाब से क्या हो गया यहां पे पच्चीस के हिसाब से देख लो यहां पे क्या हो गया हम्म और ये टू लेकिन प्लस थ्री में है तो दो इलेक्ट्रॉन तो ये रिमूव हो गए और एक इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव हो जाएगा तो फोर हो गया फोर हो गया तो ये लो माइनस वन डी में कितना इलेक्ट्रॉन है सिर्फ थ्री डी में कितना इलेक्ट्रॉन है फोर अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां है है तो ये पैरामैग्नेटिक हो गया सिंपल सी चीज एकदम और अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो होते ही डायमैग्नेटिक क्लियर नेक्स्ट सवाल की तरफ अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जर्मन सिल्वर इज एन एलोय अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था यह रहा आपका कॉपर जिंक और निकल का होता है क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखो सोलवा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है द नंबर ऑफ ऑफ दैट विल बी नीडेड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद फेरस तो इसको आप इक्वेशन के फॉर्म में लिख लो पहले आपको पता है जो आपका पोटेशियम पर है वो जब भी एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है तो खुद किस में चला जाता है मैगनीज प्लस टू में क्लियर ऐसे ही फेरस ऑक्सीट है इसको आप ओपन करके लिखेंगे तो ये तो फेरस आइन हो गया और ये आपका ऑक्सीट आइन हो गया इसकी ऑक्सीडेशन स्टेज कार्बन की यहां क्या होती है प्लस थ्री और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेज यहां पे कितनी है प्लस सेवन क्लियर यहाँ पे अब क्या होगा ये किस में बदल जाएगा ये तो फेरिक में चला जाएगा और ये चला जाएगा सी क्यों में क्योंकि अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेज में चला जाएगा प्लस फोर में तो एक कार्बन को ऑक्सीडाइज करने के लिए कितना चाहिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए इसका एक मोल को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थ्री क्लियर जबकि जब इसका एक मोल काम में आता है तो ये कितना इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है कितने का चेंज है ऑक्सीडेशन स्टेज में प्लस फाइव का तो इसको तीन इलेक्ट्रॉन चाहिए जबकि ये एक मोल से कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है आपका पांच इलेक्ट्रॉन क्लियर तो बैलेंस कर दो दोनों तरफ इसको फाइव से मल्टीप्लाई कर दो और ये कितने से मल्टीप्लाई होगा थ्री से समझ गए मतलब इसके जब पांच मोल होंगे और इसके तीन मोल होंगे तब दोनों तरफ के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे बैलेंस हो जाएंगे सिंपल सी ट्रिक दे रहा हूं ये सीधे एग्जाम में कैसे करना है तो आप सिंपल से देखो इसके पांच मोल को ऑक्सीडाइज करने के लिए इसका कितना मोल चाहिए थ्री तो इसका एक मोल ऑक्सीडाइज करना हो तो इसका कितना चाहिए होगा थ्री बाई कोई दिक्कत नहीं इलेक्ट्रॉनिक मेथड के पास जाकर के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड से आप यहां यह पे बैलेंसिंग करके आओगे काफी टाइम कंज्यूम हो जाएगा आप सीधे से सवाल को यूं कर लिया करो क्लियर तो आपका आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं फॉलोइंग इज नॉट ऑक्सीडाइज बाई ओ थ्री ये कह रहा है कि ओ थ्री के द्वारा यहां पर कौन सा ऑक्सीडाइज नहीं होगा क्लियर तो आ जाओ यहां पे। के आई तो आईडाइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है जब भी ओ थ्री आएगा तो इसको ये आई टू में बदल देगा और खुद आपका ओ टू में चला जाएगा मतलब इसका तो यहां पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा इसकी बात करें ये प्लस टू में है तो जब भी ओ थ्री आएगा इसको प्लस थ्री में मतलब इसका भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा यह किस में है प्लस सेवन में ए, प्लस सिक्स में है तो जब आपका ओ थ्री आएगा तो मैग्नीज को भी प्लस सेवन में ले जाएगा कहने का मतलब इसका एम एन ओ फोर माइनस में इसको चेंज कर देगा तो मतलब इन तीनों का तो संभव है इसका देखें यह प्लस सेवन में है इससे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी पॉसिबल है ही नहीं अब इसका आगे ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता तो आपका कौन सा है थर्ड इसका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आई होप समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन अगला क्वेश्चन 18वां द रिएक्शन ऑफ जिंक विद डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ए रेस्पेक्टिवली प्रोडक्ट्स तो बिल्कुल आप सिंपल सा देखो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर वाले आते हैं ऑलमोस्ट ठीक है वो क्या करते हैं आपके जिंक है जैसे ECS में उससे ऊपर आता है किससे हाइड्रोजन से ठीक है तो जब भी इसकी डायल्यूट एच से रिएक्शन करवाई जाती है तो यह बनाता है जिंक नाइट्रेट साथ में आपकी नाइट्रस ऑक्साइड गैस रिलीज होती है और एच टू बन जाएगा तो कौन सी गैस रिलीज हो रही है नाइट्रस ऑक्साइड लेकिन यही काम जिंक आप कंसंट्रेटेड एच के साथ करवाओगे तो यह प्रोडक्ट तो सेम बनेगा जिंक नाइट्रेट लेकिन यहां पे आपका बनेगा एनओ टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, साथ में वही क्लियर? तो ये हो गया, अपना कौन सा गया? अपना आंसर आ और NO2. लेकिन यही काम ECS में हाइड्रोजन से नीचे वाले जैसे कॉपर के साथ करवाते तो कंसंट्रेट के साथ तो वही एनओ टू देती कॉपर भी अगर कॉपर की वही कंसंट्रेट के साथ करवाते तो कॉपर नाइट्रेट बन जाता और साथ में ये का ये NO2 बन जाता लेकिन कॉपर की जब डाइल्यूट से करवाते हैं तो ECS में नीचे वाले आते हैं तो डाइल्यूट के साथ जब ये करेंगे तो कॉपर नाइट्रेट बनेगा बिल्कुल लेकिन यहां पर है, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस आएगी तो कॉपर होता सवाल तब तो आपका क्या होता डाइल्यूट के साथ NO और कंसंट्रेट के साथ NO2 लेकिन जिंक है ECS में हाइड्रोजन से ऊपर वाला है तो ये डाइल्यूट के साथ तो आपका आ जाएगा आ जाएगा जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड और फिर के साथ टू कंसन कंसन से सब रिएक्शन करती है तो कोई दिक्कत नहीं, ये सब में NO2. तो आपका आंसर कौन सा हो गया फर्थ आई आ गया होगा नेक्स्ट तो अपन यहां पे उन्नीसवा क्वेश्चन देखते हैं देखो इन रिएक्शन सिक्वेंस इन एक्वा सोल्यूशन है स्पीसीज एक्स वाई एंड जेड Respectively. को आपको कंप्लीट करना है और कुछ नहीं करना है सबसे पहले यह कह रहा है कि एस टू ओ थ्री मतलब काल्फेट का में से अगर एक ऑक्सीजन सल्फर से रिप्लेस हो जाए मतलब इफ वन ऑक्सीजन रिप्लेस बाई सल्फर देन यूज थायो। तो क्या यूज कर लिया जाता है थायो। तो इसको मैं बोलूंगा था प्लस से रियक्शन करवा दो तो यह आपका बनता है एजी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा एस टू ओ थ्री ये प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेज में ही होता है तो चार्ज आपका, आ जाएगा, थ्री, क्लियर, तो ये तो आपका हो गया। अगर आप AG और अगर इसको आप कुछ टाइम पड़ा रहने देते हो तो ये ही आपका बना देगा सिल्वर सल्फाइड और ये जो व्हाइट पीपीटी है वो चेंज हो जाएगी किसमें ब्लैक पीपीटी में तो ये आपका वाई हो गया ये आपका जेड हो गया ये इक्वेशन आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे ठीक है या पढ़ी होगी तो आपका आंसर क्या आ गया ये फर्स्ट ये थोड़ा ऑप्शन ठीक कर लेना भाई ए जी एस टू थ्री टू थ्री माइनस ये आपका क्लियर हो जाता है टाइपिंग में हो गया थोड़ा तो सवाल समझ में आया बिल्कुल सिंपल सा तो आंसर आपका कौन सा हो गया फर्स्ट हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोड्यूस हाइड्रोजन कौन सी रिएक्शन है जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगी तो आ जाओ सबको करवा के देख लेते हैं मैग्नीज जब भी एस के साथ रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और एस गैस लिबरेट करता है तो यही हो गया हाइड्रोजन गैस रिलीज करने वाला

ठीक है क्या है आपका एच टू एच टू ओ एट जिसको मार्शल एसिड भी आपको बोल सकते हैं क्लियर तो इसकी एच टू के साथ रिएक्शन करवा दो तो क्या बनेगा आपका एच टू फोर प्लस एच टू ओ टू बिल्कुल सिंपल सा टू एच टू एस ओ फोर बन जाएगा और यहां पे क्या बन जाएगा एच टू ओ टू बन जाएगा ये भी अच्छा क्वेश्चन है फिर आगे ये वो फिर से प्रोक्साइड आ गया समझ रहे हो ना तो प्रोक्साइड की वही एसिड से करवा रहा है तो क्या बनेगा सोल्ट बन जाएगा और एच टू ओ टू बन जाएगा तो आपको तो यहां पे हाइड्रोजन गैस देखनी है तो फर्स्ट आंसर हो गया क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं हाइड्रोजन अपने कई गुणों में इनसे मेल खाती है हाइड्रोजन रिजेंबल इन मेनी ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज विद किससे मैच करती है हेलोजन से मैच करती है एक तो क्योंकि हेलोजन जिस प्रकार से सोल्ट बनाते हैं सोल्टी कंपाउंड वैसे ये भी बनाती है हाइड्रोजन भी मेटल से भी जैसे वो एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं रिलीज करके वो क्या बनाते हैं आपके केटाइन बनाते हैं मोनोवेलेंट ये भी आपका मोनोवेलेंट केटाइन बनाता है तो इन दोनों से आपकी प्रॉपर्टी मैच करती है इसी वजह से तो इसकी पोजिशन अभी फिक्स नहीं हो पाई कि हेलोजन के साथ रखा जाए इसको या फिर आपका एल्केलाई मेटल के साथ रखा जाए तो आंसर हो गया बोथ तो क्वेश्चन समझ में आया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं हाइड्रोजन इज नॉट देखो तो हाइड्रोजन से आते हैं, वो के साथ करके H2 करते हैं तो जब भी जिंक की एस टू के साथ रिएक्शन की जाएगी तो ये मोर है कोल्ड वाटर से भी रिएक्शन कर लेता है तो जिंक हाइड्रोक्साइड बन जाएगा आपका और एस टू गैस रिलीज हो जाएगी बैलेंस नहीं कर रहा हूं रिएक्शन ये दो स्टेप में होती है अगर आपने जिंक एस टू कम क्वांटिटी में लिया तो पहले जिंक ऑक्साइड बनेगा एस टू गैस रिलीज होगी और फिर जब आप इसका फिर से एस टू से रिएक्शन कराओगे तो आपका क्या बन जाएगा जिंक हाइड्रोक्साइड बन जाएगा क्लियर कंप्लीटली एक स्टेप में लिखना हो तो यह तो इसमें तो एस गैस रिलीज होगी फिर बात करते हैं एनएच के साथ तो ये एम्पोटेरिक मेटल है एसिड से रिएक्शन करता है वैसे ही बेस से रिएक्शन करता है तो एनएच के साथ रिएक्शन करवा दो तो ये क्या बनाएगा सोडियम जिंकेट बना देगा और साथ में क्या बनाएगा आपका एस टू गैस लिब्रेट करेगा तो इसमें भी एस टू गैस लिब्रेट हो जाएगी फिर आओ कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड तो एक चीज का ध्यान रखना कोई भी मेटल हो चाहे ईसीएस में हाइड्रोजन से कॉपर से ऊपर आती हो या हाइड्रोजन से ऊपर आती हो या इसी एस में हाइड्रोजन से नीचे आती हो सभी मेटल्स की बात कर रहा हूं वो सब कंसंट्रेटेड एस टू एसओ फोर के साथ रिएक्शन करके सोल्ट बनाती हैं एसओ टू बनाती हैं और एस टू बनाती है तो एसओ टू गैस लिबरेट होने वाली है तो, यहां तो एस टू गैस यहां पर लिबरेट नहीं होगी फिर डायल्यूट तो ईसीएस में जो हाइड्रोजन से ऊपर आती हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करके हमेशा वो मेटल क्या करती है एस टू गैस रिलीज करती है तो जिंक की रिएक्शन आप एस से करवा दो तो क्या बनेगा गैस रिलीज हो जाएगी तो इसमें भी एस टू गैस रिलीज होगी तो अपना आंसर कौन सा चला गया थर्ड समझ में आया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं अपन तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पेयर डज नॉट शो हाइड्रोजन आइसोटोप मतलब कि कौन सा पेयर है जो हाइड्रोजन आइसोटोप को नहीं बता रहा है ठीक है और तो हाइड्रोजन और पेरा हाइड्रोजन ये इसके एलोट्रोप है हाइड्रोजन के न कि इसके आइसोटोप आइसोटोप वो है जिनमें क्या हो एटॉमिक मास बदलता हो ठीक है लेकिन उनका एटॉमिक नंबर सेम रहता हो तो हाइड्रोजन के तीन होते हैं प्रोटियम ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम तो देखो ये भी आइसोटोप है ये दोनों आइसोटोप है ये भी आइसोटोप है ठीक है तो आपका आंसर कौन सा आ गया फर्स्ट नेक्स्ट की तरफ चलते हैं ऑर्डिनरी हाइड्रोजन है एट रूम टेम्परेचर इज ए मिक्सर कमरे के ताप पर सामान्य हाइड्रोजन एक मिश्रण है तो अभी अपन ने दो देखा था और पेरा होता क्या है बस ये सिंपल सी ध्यान रखो जैसे दो हाइड्रोजन मिल रही हैं बॉन्डिंग कर रही हैं ठीक है एस टू की बात कर रहा हूं दो हाइड्रोजन ओवरलैपिंग करके बॉन्डिंग कर रही हैं तो एक के न्यूक्लियस का स्पिन कैसा हो ये ठीक है तो दोनों का स्पिन एक तरफ और तो और एक का अपोजिट स्पिन आ जाए ये आपको ध्यान रखना स्पिन अपोजिट होते हैं स्पिन का फर्क है और कोई ज्यादा फर्क नहीं है न्यूक्लियस स्पिन का क्लियर तो हमेशा ध्यान रखना रूम टेम्परेचर पर सेवेंटी फाइव परसेंट तो हाइड्रोजन होती है ट्वेंटी फाइव परसेंट क्या होती है आपकी पैरा हाइड्रोजन होती है नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन कुछ डेटाबेस होते हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे टेम्परे हार्डनेस मे बी रिमूव फ्रॉम रिमूव फ्रॉम वॉटर बाई एडिंग जल से अस्थायी कठोरता दूर की जा सकती है क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लो पहले तो ये देखो जल की अस्थाई कठोरता होती किसकी वजह से टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वॉटर तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट सोल्ट की वजह से होती है क्लियर और परमानेंट हार्डनेस की बात करें तो वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड आइन की वजह से होती है तो अपन तो टेम्परेरी की बात करें तो टेम्परेरी हार्डनेस मान लो कि कैल्शियम की बात करूं तो वो किसकी वजह से है कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वजह से तो आप या तो इसको बॉयल कर दो तो बॉयल करोगे तो ये CACO3 H2O और आपका क्या निकल जाएगा CO2 निकल जाएगा तो ये वाटर इनसोल्यूबल होता है ये वाटर सोल्यूबल होता है तो ये तो पानी में घुला हुआ था डिजोल्व था जैसे ये बनेगा

तो जो आपकी रिएक्शन होने वाली है हार्डनेस खत्म होने वाली है, वो थोड़ी जल्दी हो जाएगी रिएक्शन फास्ट हो जाएगी तो आपका क्या मिलाओगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं आपको यहाँ पे देखो क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो क्या करना है ये दोनों कॉलम आपको मैच करने है। पहले हार, ये आपका हैवी वॉटर वाटर क्या होता है अगर एच के स्थान पर आपका ड्यूटेरियम काम में आ जाए डिटो तो फर्स्ट वाला तो मैच हो गया आपका किस से सी से तो फर्स्ट मैच हो गया सी से. सेकेंड को मैच करो मैंने अभी बताया कार्बोनेट की वजह से होती है तो सेकेंड का मैच हो गया ए से फिर अपन बात करें सॉफ्ट वाटर है सॉफ्ट बोय जिसमें कोई आयन नहीं है ये हो गया तो थर्ड वाला मैच हो गया किससे बी से फोर्थ वाला अपने आप हो जाएगा तो मैंने अभी बताया था क्लोराइड आइन या सल्फेड आइन ले लो तो ये आपका लास्ट वाला फोर्थ वाला मैच हो जाएगा किससे फोर्थ से तो फोर्थ आ गया बी से तो देख लो फर्स्ट में सी फर्स्ट में सी का एक तो ये ऑप्शन है एक ये ऑप्शन है सेकंड में ए तो ये आ गया फोर्थ बिल्कुल सिंपल सा है एग्जाम में तो आपको एक पता दूसरा पता चलता ही देखो सही हो जाएगा ज्यादा मैच करने की जरूरत नहीं है समझ गए ना यहां पे अपन ने पूरे मैच करके देखे नेक्स्ट क्वेश्चन इन लैब एच टू टू लैब में आपका हाइड्रोजन प्रोक्साइड किससे बनाया जाता है देखो यहां पर इसके साथ रिएक्शन करेंगे मैंने अभी बताया था प्रोक्साइड जब भी डायल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो एच टू टू बनता है यहां पे भी आपस में रिएक्शन होगी आप एस टू ओ टू बना सकते हो एस टू भी बनता है का फर्क रहेगा कौन सा लेके चलते हो इसके साथ रिएक्शन कराओगे तो भी आपका क्या बनना होता है एस टू ओ टू बनना होता है इसके साथ करवाओगे तो भी एस टू ओ टू बनना होता है लेकिन लैब मेथड में ये यूज लिया जाता है कंसंट्रेट चीजें लैब में कम काम में ली जाती है ठीक है आपका आंसर क्या आ जाएगा फर्स्ट समझ में तो आ गया ना ये रिएक्शन आपको पता है बेरियम बेरियम सल्फेट सल्फेट देख लो आप बेरियम निकल जाएगा और H2O2 टू जाएगा रिएक्शन दोनों की सेम ही होगी लेकिन हाईली एक्जोथर्मिक होगी इसलिए इसको लैब मेथड में काम में नहीं लेते इसकी मैंने पहले बता ही दी थी नेक्स्ट फेंटन रेजेंट फेंटोस अभिक्रमक क्या है तो फेंटोस रिएजेंट है ना अब ये तो याद रखना पड़ेगा भाई जैसे ये आपका जेड एन ये लुकास रिएजेंट होता है जैसे ये आपका कौन सा होता है स्टीफन रिएजेंट है आजकल इसको एस एनसीएल टू प्लस एस सी एल भी लिख रहा है जो स्टीफन रिडक्शन में काम में आता है तो आपका ये है फेंटोस इसको भी याद रख लो क्लियर विच इज फॉल्स अबाउट एस टू ओ टू एस टू ओ टू के बारे में कौन सी चीज है जो गलत है पहला कह रहा है एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट बिल्कुल आपका एस टू ओ टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी काम में आता है और रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में भी काम में आता है बात आ गई समझ में जब भी इसको आपका क्या मिलेगा रिड्यूसिंग एजेंट मिलेगा तो यह ऑक्सीकारक का, 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 का काम कर जाएगा और जब भी इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा ऑक्शिकारक सॉरी जब भी आपको इसको क्या मिलेगा रिड्यूसिंग एजेंट तो वहां पे ऑक्सीकारक का काम करेगा और जब भी इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलेगा ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम है करता है दोनों काम करता है और एक चीज का ध्यान रखना एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में ये ऑक्सीकारक और अपचायक का काम करता है ये काफी अच्छी चीज है एस टू ओ टू आपका ऑक्सीकारक भी है अपचायक भी है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है रिड्यूजिंग एजेंट भी है बहुत मीडियम में है तो ये तो सही है ये कह रहा है कि टू बॉन्ड OH से लाइज इन द सेम प्लेन मतलब कि दो ओ एच एक ही में प्लेन में होते हैं तो ये भाई थोड़ी मेरी बात हजम नहीं हो रही क्योंकि हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होती है थोड़ी क्लियर कैसे जैसे इसको अगर बुक के हिसाब से देखें तो यूं देख लो आप मतलब क्या होगा जैसे यहां ऑक्सीजन है और यहां ऑक्सीजन है अब इधर ओ एच जुड़ा हुआ है ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन इससे एच जुड़ गया फिर हाफ ओपन बुक तो यही होगी ना ये तो कंप्लीटली खुल हो जाएगी ऐसे तो एक हो गया तो एक ओ एच तो इस प्लेन में पढ़ाए इस प्लेन में तो दो अलग प्लेन में होते हैं तो यह वाला स्टेटमेंट गलत है, है। ओजोन से इसका बिल्कुल इसका कर देता है क्लियर तो आपका फाल्स देखना था ना तो फॉल्स अपना हो गया सेकंड ठीक है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ होते हैं अपन मैंने बॉन्ड ऑर्डर बता दिया था भाई केमिकल बॉन्डिंग में और जिसको एस टू ऑटू का इनका बॉन्ड ऑर्डर निकालना नहीं आता फिर मेरे हिसाब से नीट की तैयारी करना बेकार है भाई ओटू ऑटू का बॉन्ड ऑर्डर क्या है दो और मैंने बताया था बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली होती है तो देखो इसकी कितनी है सॉरी 1.21 इसकी है 1.21 और इसकी कितनी है बॉन्ड लेंथ ऑक्सीजन ऑक्सीजन की 1.48 एट आपको पूछी किसकी है ओजोन में तो ओजोन का देखो ओ थ्री तो ओ डबल बॉन्ड ओ ये अपन ने बताया था इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है 1.5 तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी सबसे बड़ी तो एस टू ओ टू की फिर o, की और सबसे छोटी की तो ऐसा डेटा देख लो दो इन दोनों के बीच में सीओ वन पॉइंट टू एट बिल्कुल इन दोनों के बीच में यही आंसर हो गया ये तो ये बता रहा है कि ओ टू से भी बॉन्ड लेंथ छोटी जबकि नहीं ओ टू से तो बड़ी होगी ये भी नहीं होगा ये भी बड़ी के लिए बता रहा है ठीक है और ये छोटी के लिए बता रहा है ठीक है और ये वाला भी गया क्लियर बिल्कुल सिंपल सी चीज है तो आंसर आपका हो गया फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन एन टू ओ टू इज ए प्रोड्यूस इन रिएक्शन बिटवीन एस टू ओ टू एंड एन एच हेयर द रोल ऑफ एस टू ओ टू इज ये कह रहा है कि एस टू ओ टू की रिएक्शन जब एनएच के साथ करवाई जाती है तो इसका रोल क्या होता है तो देख लेते हैं एक बार इसकी रिएक्शन कैसी होगी जब भी इसके साथ रिएक्शन करवाई जाएगी आपका तो क्या बनेगा यहां पर एन ए टू ओ टू बन जाएगा और H2O टू बन जाएगा तो देखो दो ऑक्सीजन दो प्रोक्साइड आइन है यहां पे भी दो प्रोक्साइड आइन है यहां यह प्लस में था ये भी प्लस में है ध्यान से देखो एक ऑक्सीजन माइनस टू में थी एक ऑक्सीजन माइनस टू में है यहाँ पे ये प्लस वन में थे हाइड्रोजन सारे तो यहाँ पे भी जो भी हाइड्रोजन आ रहे हैं वो सारे प्लस वन में हैं इसका मतलब है कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन लिया दिया गया नहीं है तो बस सिंपल सी चीज ये बेस है तो ये काम कर रहा है एसिड का क्योंकि ना तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना रिडक्शन हो रहा है तो इसका मतलब जहां ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होता वो फिर न्यूट्रलाइजेशन है तो ये आपका बेस का काम कर रहा है तो यह आपका क्या है एसिड हो गया तो एक एसिड का रोल प्ले करेगा यहाँ पे समझ में आया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते यहां पर वॉशिंग इज ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे वॉशिंग सोडा क्या एन ए टू सीओ थ्री डॉट टेन एच टू तो कौन सा हो गया आपका फर्स्ट आंसर हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन द स्वीकेंस ऑफ आयनिक मोविबिलिटी इन एक्वस सोल्यूशन तो एक चीज का ध्यान रखना मोबिलिटी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है साइज जिसकी साइज इसमें स्मॉल होती है उसकी मोबिलिटी ज्यादा होती है जिसकी साइज लार्ज होती है उसकी मोबिलिटी कम होती है तो ये फर्स्ट ए दिया गया है तो देख लो आपका क्या होता है सोडियम से शुरू किया तो सोडियम से ही अपन कर लेते हैं सोडियम पोटेशियम रुबीडियम सीजियम प्लस 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 ठीक है तो आयनिक रेडी का ऑर्डर क्या होता है यही तो है ना नीचे की तरफ जाते तो आयनिक रेडी बढ़ती है लेकिन एक्वस मीडियम दिया है तो एक्वस मीडियम में आयनिक रेडी क्या हो जाती है जस्ट अपोजिट होती है जो आयन जितना छोटा होता है एक्वस फॉर्म में उतना ही बड़ा हो जाता है ड्यू टू हाइड्रेशन एनर्जी क्योंकि जो आयन जितना ज्यादा छोटा होता है उसके चारों तरफ वॉटर के मोलिक्यूल उतने ही ज्यादा अटैच हो जाएंगे तो उसकी साइज क्या हो जाएगी लार्ज तो ये ऑर्डर हो गया एक्वस मीडियम में बताना है तो सबसे स्मॉल आयन कौन सा रह गया एक्वस मीडियम में सीजियम प्लस ये है इन एक्वस मीडियम

नेक्स्ट तो अपन देखते हैं प्रोसे, थर्टी प्रोसेस, है, यूज है, देखो, प्रोसेस में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सारे देख लो एक तो रॉ मेटेरियल पूछ लेता है तो एक तो इसमें रॉ मेटेरियल के लिए काम में आता है लाइम स्टोन कैल्शियम कार्बोनेट चूने का पत्थर एक काम में आती है अमोनिया ये रॉ मेटेरियल है इसके और एक काम में आता है इसका लिक्विड सॉरी एक्वस सी सीए क्लियर जब इनके बीच रिएक्शन होती है तो एक तो एन एस थ्री फिर से इसी रिएक्शन में जब इनमें आपस में रिएक्शन नया एनएस थ्री बनेगा ये चाहिए भी तो रिएक्शन में काम भी करने लगता है इसके अलावा सीओ टू की जरूरत होती है वो भी इसी रिएक्शन में बनता है और काम में आ जाता है तो ये तो वो है जिनका रिसाइकल होता है इनमें बार बार एक सीए सीएल टू होता है वो बाई प्रोडक्ट बनता है मतलब एक साइड प्रोडक्ट के रूप में बनेगा फाइनल रिजल्ट में एक आपका बनता है इसमें एनएच सीओ थ्री जो आपका इंटरमीडिएट होता है ठीक है और फाइनल प्रोडक्ट जो होते हैं एनएच सीओ थ्री और एनए टू सीओ थ्री होता है मेनली आपका कौन सा होता है एनए टू सीओ थ्री इसके प्रोडक्शन में ये काम में ली जाती है क्लियर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन एलिमेंट ऑफ ग्रुप ए फर्स्ट ए प्रोवाइड ए कलर फ्लेम टू फ्लेम ए दुनसन बर्नर ड्यू टू समूह फर्स्ट ए के तत्व है बर्नर की ज्वाला को रंग किस कारण से प्रदर्शित करते हैं देखो अगर आप किसी मेटल को ज्वाला में लेके जाओगे फ्लेम में लेके जाओगे तो उसको एनर्जी मिलेगी उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे वहां पे ऑसुलेशन शुरू कर देंगे दोलन इस वजह से कलर आ जाता है वो कब करेंगे जब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन उन पर है? कम होगा तो एल्केलाई मेटल की साइज क्या होती है लार्ज होती है इस वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियाई के द्वारा बहुत ही वीकली होल्ड रहते हैं इस वजह से वो ऑसुलेशन कर सकते हैं तो आपका आंसर कौन सा चला गया फर्स्ट यहाँ पे आंसर है हो जाएगा एक चीज का ध्यान रखना फर्स्ट एक सबकी साइज लार्ज है इस वजह से सारे इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं सब में लूजली बॉन्डेड होते हैं न्यूक्लियस से तो सब आपका कलर शो करते हैं सेकेंड में बेरिलियम और मैग्नीशियम ऐसा नहीं कर पाते हैं बाकी नीचे वाले सारे कलर शो करते हैं ये क्यों नहीं कर पाते है? क्योंकि इनकी जो साइज होती है वो स्मॉल होती है इस वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्गली होल्ड होते हैं न्यूक्लियस से तो ये ऑसोलेशन नहीं कर पाते हैं तो ये आपका कलर शो नहीं करेंगे तो अपना रीजन क्या हो गया फर्स्ट तो समझ में आया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन द रिएक्शन ऑफ वाटर विथ सोडियम एंड पोटेशियम इज सोडियम तथा पोटेशियम की जल के साथ रिएक्शन क्या होती कैसी होती है तो एक चीज का ध्यान रखना ये सारी मोर रिएक्टिव मेटल्स हैं कौन सोडियम और पोटेशियम जब भी वाटर के साथ रिएक्शन होगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी यहाँ पे हीट रिलीज होगी नेक्स्ट क्वेश्चन द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूजिंग एजेंट इन द एलकेलाई मेटल्स एल्केलाई मेटल्स में सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूजिंग एजेंट कौन है तो जब भी कोई मीडियम नहीं दिया हुआ होता है ना तो एक्वस मीडियम की बात करते हैं और एक्वस मीडियम में रिड्यूजिंग स्ट्रेंथ देखी जाती है एजेंट का पता एस आर पी से स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिसका जितना कम होगा रिड्यूजिंग एजेंट वो उतना ही अच्छा माना जाएगा और गैसेज मीडियम में ये तो बात है इन एक्वस मीडियम और अगर यही गैसेज मीडियम में, में हो तो इसका पता चलता है आयनाइजेशन एनर्जी से तो आयनाइजेशन एनर्जी के हिसाब से तो कौन हो जाता है आपका सीजियम लेकिन मीडियम की तो बात ही नहीं कर रहा ठीक है कोई मीडियम नहीं दिया जब कोई मीडियम नहीं दिया जाता है तो एक्वस मीडियम माना जाता है या तो तो बोलेगा मीडियम मीडियम नहीं दिया तो आपको एक्वस के साथ जाना है तो आप याद करो ई में सबसे ऊपर कौन आता है लिथियम मतलब लिथियम की एस सबसे कम है तो वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन इन द कार्बोनेट फिर वही बाय बाय सोलवे प्रोसेस है ना अमोनिया सोडा प्रोसेस वही है सोलवे अमोनिया सोडा प्रोसेस ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज सोल्वे अमोनिया सोडा विधि में सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए क्या क्या काम में आता है तो मैंने अभी बताया था ये रहा लाइम काम में आता है बताया था कि नहीं बताया अभी यह आता है अमोनिया आती है एक्वसाइनसियल जिसको ब्राइन कहा जाता है वो काम में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन अब अपन बात करते हैं थर्टी नाइन क्वेश्चन चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन फॉलोइंग इनमें से आपको क्या है रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है तो आ जाओ देखो बेरिलियम इज ऑलमोस्ट इन सोल बट बेरिलियम सल्फेट इज सोल्यूबल ठीक है तो एक चीज देखना आप सबसे पहले तो मैं बात करता हूं ऑक्साइड की बेरिलियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड आपका स्ट्रोनसियम ऑक्साइड और फिर बेरियम ऑक्साइड क्लियर तो देखो एक चीज का ध्यान रखना जो सोलिबिलिटी होती है आयनिक कंपाउंड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तो होती है हाइड्रेशन एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है लेटिस एनर्जी के और टॉप टू बॉटम चलते आपको पता है हाइड्रेशन एनर्जी की बात करें ये क्या होती है चार्ज के डायरेक्टली और साइज के इनवर्सली और इसी प्रकार लेटिस्ट एनर्जी भी चार्ज के डायरेक्टली और साइज के इनवर्सली यही तो होता है ना तो एक चीज आप यहां पे देख रहे हो दोनों ही चार्ज के डायरेक्शनली लिए तो नीचे चार्ज तो फिक्स हो गए साइज के इनवर्सली दोनों ही साइज के इनवर्सली तो नीचे की तरफ जाने पर यह काम होगा दोनों ही डिक्रीज होंगी लेकिन क्या होता है जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो ऑक्साइडों के अंदर नीचे जाएंगे ना तो वो आपकी क्या होती है स्लाइटली डिक्रीज होती है जबकि लेटिस एनर्जी रेपिडली डिक्रीज हो जाती है इस वजह से शुरू में तो क्या होता है यहां पर तो हाइड्रेशन एनर्जी कम रहती है किससे लेटिस एनर्जी से क्लियर तो ये क्या होता है आपका इंसोलिबल आ जाता है वाटर क्लियर और नीचे की तरफ चलें तो यहां पर क्या हो जाता है मैंने क्या कहा लेटेस्ट एनर्जी रेपिडली डिक्रीज हो जाती है तो इनमें क्या होता है हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा रह जाएगी अब लेटेस्ट एनर्जी से तो ये वाटर सोल्यूबल हो जाएंगे तो मतलब ये बात तो सही है क्लियर और सेकेंड ऑप्शन में बेरियम ऑक्साइड सोलिबल है ये बात भी सही है क्लियर तो ऑक्साइडों की बात होगी दोनों ऑप्शन की अब आगे चले सल्फेट की बात तो सल्फेट का बात भी कर लेते हैं अपन साथ में बेरिलियम सल्फेट मैग्नीशियम सल्फेट स्ट्रॉनशियम सल्फ बेरियम बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम सल्फेट स्ट्रॉनशियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट इनकी बात करें तो इनमें क्या होता है टॉप टू बॉटम जैसे ही नीचे जाते हैं तो हाइड्रेशन एनर्जी होती है आपकी वो तो क्या होती है अब की बार नीचे की तरफ जाने की बात कर रहा हूं मैं ठीक है तो हाइड्रेशन एनर्जी तो नीचे की तरफ जाने पर यहां पर स्लाइटली डिक्रीज होगी ठीक है सॉरी uh, रेपिडली और जो आपकी कौन सी है लैटिस एनर्जी वो स्लाइटली डिक्रीज होगी क्लियर तो यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी तो तेजी से कम होगी और लैटिस एनर्जी धीरे धीरे कम होगी तो शुरू में क्या रह जाता है हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है किससे लैटिस एनर्जी से लेकिन फिर आगे क्या हुआ हाइड्रेशन एनर्जी तेजी से कम होगी इस वजह से लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा होगी तो ये तो वाटर इनसोल्यूबल रहेंगे और ये आपके वाटर सोल्युबल रहेंगे तो ये कह रहा है बेरिलियम सल्फेट सोल्यूबल होता है बिल्कुल सल्फेट सोल्यूबल है ये कहता है 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 बेरियम सल्फेट बिल्कुल तो ये दोनों स्टेटमेंट तो राइट है क्लियर नेक्स्ट लिथियम आयोडाइड पोटेशियम आयोडाइड की अपेक्षा तो देखो ये तो है आयनिक और ये आपका है कोवेलेंट हां हालांकि इसमें कोवेलेंट करेक्टर अच्छे खासे हैं लेकिन आयनिक करेक्टर को भी यहां नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता लेकिन इसमें तो

के जो बाइकार्बोनेट होते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट वो ठोस होते हैं ये बता रहा है सोलिड होते हैं तो एक चीज याद रखना फर्स्ट एक्सेप्ट लिथियम ऑल बाइकार्बोनेट, सोलिड मतलब जितने भी है ना पूरी पेरेडिक टेबल में जितने भी बाइकार्बोनेट है उनमें से सिर्फ सोडियम का बाइकार्बोनेट, पोटेशियम का बाइकार्बोनेट, रूबीडियम का बाइकार्बोनेट और सीजियम का बाइकार्बोनेट ये तो होंगे सोलिड सिर्फ ये पांच और फर्स्ट एमेसल सेकेंडे के साथ रहता है जैसी सेकेंडे की प्रॉपर्टी वैसे सॉरी लिथियम लिथियम हमेशा सेकेंड ए के साथ रहता है जैसे सेकेंडे की प्रॉपर्टी सेम प्रॉपर्टी लिथियम की होगी और डी ब्लॉक भी उसी के साथ जाएगा तो आपको यहां पे ये ध्यान रखना है कि लीथियम, अब आगे वाले सारे एक्वस में है तो लीथियम का बाइकार्बोनेट भी कैसा होगा एक्वस मीडियम में होगा तो आपका आंसर यहां पे ये गलत हो गया क्योंकि लिथियम और मैग्नीशियम दोनों सोलिड नहीं एक्वस में होंगे क्योंकि सोलिड तो सिर्फ ये है तो आपका फोर्थ स्टेटमेंट यहां रोंग है समझ में आया नेक्स्ट क्वेश्चन एन कैन बी मैन्युफैक्चर्ड बाय सोलवे प्रोसेस बट के टू सीओ थ्री कैन बी प्रिपेयर यह कह रहा है सोलवे के द्वारा एन ए टू सीओ थ्री तो बनाया जा सकता है लेकिन के टू सीओ थ्री नहीं बनाया जा सकता तो आपने देखा होगा इसमें जब बना रहे थे तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या आया था तो इसको बनाएंगे तो इसका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट यह बनेगा तो बायकार्बोनेट की सोलिबिलिटी नीचे की तरफ जाते हैं ना टॉप टू बॉटम तो इंक्रीज होती है तो ये वाटर में ज्यादा सोल्युबुल है इस वजह से यहां पर इसका प्रिपरेशन नहीं हो पाता है किसका सोलवे प्रोसेस से पोटेशियम बाइकार्बोनेट का तो के टू सीओ थ्री सोल्यूबल तो ये रीजन है क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन निमन में से कौन सा लिथियम के असंगत गुणों को प्रदर्शित नहीं करता मतलब ये बता रहा है कि कौन सा है जो ये नहीं बता रहा है कि लिथियम के औरों से प्रॉपर्टी अलग है तो देखो टॉप टू बॉटम अगर जाए ठीक है फर्स्ट में तो क्या होगा एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी मेटल्स साइज इंक्रीज होगी इंक्रीज होती होती है तो होती है तो तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी नीचे की तरफ जाने पे कम होते हैं तो बिल्कुल सिंपल सी चीज है ओरो का कंपेरिजन में लिथियम के ज्यादा होते हैं फिर कह रहा है कि लिथियम ओरो के बजाय क्या है आपका मर्दू है मतलब सॉफ्ट है तो बिल्कुल ऐसा नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि नीचे की तरफ जाने पर मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक हो रही है तो इसका मतलब नीचे वाले सॉफ्ट है ऊपर वाला सॉफ्ट नहीं होगा तो और के कंपेरिजन में तो ये सॉफ्ट ना होकर के हार्ड होगा फिर आपका कह रहा है फर्स्ट की धातुओं के विपरीत लिथियम एक नाइट्राइड एल थ्री बनाता है बिल्कुल सही बात है फर्स्ट वाली धातु नाइट्राइड नहीं बनाती फर्स्ट वाली मेटल नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करती लिथियम अपनी स्मॉल साइज की वजह से रिएक्शन कर लेती है क्योंकि इसकी स्मॉल साइज होती है तो यहां पर लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी जो इसके नाइट्राइट को स्टेबिलिटी दे देगी और नाइट्रोजन नाइट्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने भी काम में आएगी क्लियर फिर आपका कह रहा है लिथियम का आयन तथा इसके अन्य यौगिकों समूह के आयनों से तो देखो लिथियम का जो कंपाउंड होते हैं ना वो कैसे होते हैं कोवेलेंट होते हैं और लिथियम के कंपाउंड कोवेलेंट होने की वजह से वहां पर क्या हो जाता है उसके अंदर जो करेक्टर होते हैं आपके कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होते हैं और हमेशा ध्यान रखना हाइड्रेटेड फॉर्म सिर्फ कोवेलेंट करेक्टर की ही होती है क्लियर तो ये बात भी आपकी सही है तो कौन सा है जो गलत है यह ये आपका ये। क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन के ओ टू पोटेशियम है सुपरऑक्साइड इज यूज ऑक्सीजन है सिलेंडर है इन स्पेस एंड सबमरीन

तो ये क्या करते हैं एंड की क्वांटिटी बढ़ाते रहेंगे इस वजह से इसको यूज किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें द कंपोजिशन दर्मूला ऑफ जिप्सम जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है बिल्कुल सही ये कैल्शियम सल्फेट टू एच टू ओ यह जिप्सम है आप इसको थोड़ा हीट दोगे कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ एच टू ओ अर्धा हाइड्रेट ये ये पी पीओपी बन जाएगा तो जिप्सम कौन सा हो गया ये आपका जिप्सम है क्लियर और अगर इसमें आप पानी मिला दो प्लास्टर के रूप में काम में लिया जाता है जैसे हड्डिया वड्डियां टूट गई तो औरतों तो 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 का में क्या किया जाता है इसको प्लास्टर के रूप में काम में लिया जाता तो है कैसे पीओपी होती है इसको लपेटा और उसके बाद में पानी में भिगो दिया या पानी में भिगो करके फिर काम में लिया जाएगा तो कैसे पानी में भिगोएंगे ये किस में बदल जाएगा जिप्सम में ये सोलिड होता है पूरा कवर कर लेता है तो जलियोजित फॉर्म को काम में लिया जाता है प्लास्टर के तौर पर पीओपी को ठीक है ग्लोबर सोल्ट ग्लोबर सोल्ट आप फॉर्मूला याद रखो ने एन नेक्स्ट फोर द आइसोटोप हाइड्रोजन तो कौन है प्रोटियम है ड्यूटेरियम है और ट्राइटेरियम है, तीन आइसोटोप हैं क्लियर यहां पे ओनली लगा दिया इसलिए इनके साथ नहीं जाएंगे क्योंकि तीन देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हाइड्रोजन प्रोक्साइड की रासायनिक प्रकृति है द केमिकल नेचर ऑफ हाइड्रोजन ने क्या करता है एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ठीक है और रिड्यूसिंग एजेंट किंतु बेसिक मीडियम में ऐसा नहीं करता है तो मैंने क्या कहा था यह तो दोनों मीडियम में करता है दूसरा कह रहा है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन बहुत एसिडिक और ये रहा बिल्कुल सही बात है फिर यह भी गया ऑप्शन पढ़ो आराम से क्योंकि ये

और डी ब्लॉक के जो स्पेस में हाइड्रोजन आ जाती है निकल के रिन के अंतराकाश में ठीक है उनको बोला जाता है आपका मेटेलिक हाइड्राइड क्लियर तो आपका ये हो गया सोडियम हाइड्राइड क्या फर्स्ट एक है इसलिए लवण हाइड्राइड मतलब सेलाइन हाइड्राइड नेक्स्ट ये कह रहा है द करेक्ट स्टेटमेंट देखना है आपको ए टू डी ए से डी तक पहला कह रहा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये बी एफ थ्री के साथ अच्छा ये किसके साथ रिएक्शन करवा दी जाती है एसटो से तो बिल्कुल बनाता है, और एस टू गैस प्रोड्यूस करता है तो पहला स्टेटमेंट तो आपका सही है फिर बी एफ थ्री के साथ अगर लीते तो बिल्कुल रिड्यूसिंग एजेंट है हाइड्रोजन जोड़ेगा बी एफ थ्री की जब एल आई ए एल एच फोर से रिएक्शन करवाएंगे तो ये बना देगा बी टू एस सिक्स तो ये बात भी बिल्कुल है। सही है फिर कह रहा है पी एच थ्री एंड सी एच फोर आर इलेक्ट्रॉन रिच एंड इलेक्ट्रॉन पेरे हाइड्राइड बिल्कुल मैंने क्या कहा फोर्थ वाले सारे के सारे कैसे होंगे इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध मतलब इनका ऑक्टेट कंप्लीट है कोई भी इलेक्ट्रॉन ना ले रहा है ना देने के लिए है इनके पास तो जो ऑक्टेट कंप्लीट ये रहे इलेक्ट्रॉन कौन से सी एच फोर और इसके लिए मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन रिच होता है क्योंकि इनके पास लोन पेयर होता है डोनेटिंग फिफ्थ वाले सारे इलेक्ट्रॉन रिच में माने जाते हैं भी सही है फिर इनके पास आ जाओ मोलिकुलर हाइड्राइड है जो कोवेलेंट बॉन्ड इनमें भी कोवेलेंट बॉन्ड है यहां पे भी कोवेलेंट बॉन्ड है इसलिए ये कैसे हैं आपके मोलिकुलर हाइड्राइड हैं तो ये भी सही है तो आपका आंसर कौन सा आ गया थर्ड क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ तो देखो थर्मल स्टेबिलिटी के लिए देख लो आप अगर पोलिटोमिक नाइन है पोली एटोमिक पोलिटोमिक ए नाइन है तो हमेशा तो ध्यान रखना जैसे जैसे साइज ऑफ केटाइन केटाइन की साइज इंक्रीज होगी वैसे वैसे आपका क्या होगा स्टेबिलिटी भी होगी क्लियर और मोनो एटोमिक ए नाइन मोनो एटोमिक कौन से हो सकते हैं जैसे हाइड्राइड हो गया हेलाइड हो गया ऑक्साइड हो गया वो उनमें क्या होगा जैसे जैसे साइज ऑफ केटाइन ध्यान से देखना साइज ऑफ टाइन जैसे जैसे केटाइन की साइज इंक्रीज होगी थर्मल स्टेबिलिटी उनकी डिक्रीज होगी तो आप यह ध्यान रखो ग्रुप में साइज हमेशा सा इंक्रीज होती है तो पोलियटोम एन आइन वाले आयनिक कंपाउंड की थर्मल स्टेबिलिटी नीचे जाने पर इंक्रीज होगी और मोनो एटोमिक एनाइन वाले की डिक्रीज होगी तो आ जाओ मैग्नीशियम से ज्यादा कैल्शियम कैल्शियम से ज्यादा स्ट्रोनशियम स्ट्रोनशियम से ज्यादा बेरियम क्योंकि यह पोलियटोमिक आयन है तो जैसे जैसे केटाइन की साइज बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी थर्मल स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है बात आई समझ में अगला क्वेश्चन आपको यहां पे क्या है द इनकरेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट स्टेटमेंट देखना है पहला कह रहा है लिथियम इज लीस्ट रिएक्टिव विद द अमंग मेटल्स तो एल्केलाई मेटल में वॉटर के लिए यह सबसे कम रिएक्टिव है क्लियर तो देख लेते हैं ये बात सही है या गलत है तो देखो नीचे की तरफ जाते हैं लिथियम सोडियम पोटेशियम रूबीडियम और सीजियम तो नीचे की तरफ जाते हैं ना तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है क्योंकि साइज बढ़ता है और मेटल्स की जो रिएक्टिविटी होती है वो आयनाइजेशन एनर्जी के इनवर्सली होगी तो नीचे आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम इसलिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव तो ये सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी तो सबसे लेस रिएक्टिव है बिल्कुल ये बात है सही है दूसरा लिथियम क्लोराइड हाइड्रेटेड फॉर्म में बिल्कुल पाया जाता है कोवेलेंट हेलाइड हाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं बिल्कुल ईसीएस में सबसे ऊपर आता है तो यह आपका स्ट्रोंगेस्ट रिड्यूजिंग एजेंट है ये लो

टूटेगा एन ए एन ओ टू प्लस ओ टू लेकिन ये सिर्फ कौन है सोडियम पोटेशियम रुबीडियम और सीजियम के लिए ही सही है तो लिथियम तो ऐसे टूटता है तो ये वाला आपका फॉल्स हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर सीजियम ब्रोमाइड तो देखो सीजियम ब्रोमाइड ये आपको पता है ये मेटल्स है. तो ये टूटते हैं ऐसे सीजियम प्लस ठीक है क्या है ये मोनोवेलेंट कैटाइन है और ब्रोमाइड ये तीनों एक यूनिट होंगे तीन ब्रोमाइड यूनिट एक साथ रहेंगे और उनपे ए नाइन होगा ये अच्छा क्वेश्चन है पूछा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन कार्बन मोनॉक्साइड इज हार्मफुल टू मैन बिकॉज देखो कार्बन मोनॉक्साइड क्या करती है हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्डिंग ज्यादा देती है तो ये ब्लड में घुल जाएगी इस वजह से बॉडी में ओटू की आपूर्ति नहीं हो पाएगी ठीक है सप्लाई कंप्लीटली तो यही आ गया ये क्या करता है ओटू की हीमोग्लोबिन के साथ ज्यादा जुड़ता है इसलिए अपने लिए क्या है है क्लियर नेक्स्ट सीओ इज मोर टॉक्सिक देन CO2, बिल्कुल से ही हिमोग्लोबिन के साथ जुड़ने की नेचर किसकी ज्यादा है कार्बन मोनोऑक्साइड की है यह आ गया थर्ड क्लियर सेम पैटर्न पे थे दोनों सवाल समझ में आया अच्छे से नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंक फॉर सीओ देखो निम्न से कौन सा है जो आपका इसको क्वेश्चन को कंप्लीट करना रह गया नेचुरल सिंक पूछा जाता है जब भी पूछता है नेचुरल सिंक क्लियर सीओ का नेचुरल सिंक कौन सा है तो देखो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है ये आपका सीओ का सबसे अच्छा सिंक है। ये इसको यूज में लेता है कौन माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लियर ये आएगा इसका उसके बाद में देखा जाए महासागरों में तो वहां पे भी नहीं प्लांट प्लांट तो सीओ टू यूज करते हैं हिमोग्लोबिन तो यहां पे भी ज्यादा नहीं तो कौन सा आ जाएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये ये आपको ध्यान रखना है अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ भी माइक्रोवेशन विच ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज नॉट ए कॉमन पोलियंट मतलब कि नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड है 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 जो नहीं है तो आपको पता नाइट्रस ऑक्साइड नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये बिल्कुल पोलियंट है आपका ये वाला पोलियंट नहीं है क्लियर ये आपको एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को देखो एक बार रीड लगाना पड़ेगा एनसीआरटी से थियोरिकल पार्ट है वट विल बी द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ ए ऑर्गेनिक मेटेरियल ऑन वॉटर अगर वॉटर में ऑर्गेनिक मेटेरियल होंगे तो क्या होगा तो उन ऑर्गेनिक मेटेरियल को बायोडिग्रेबल बनाने के लिए ऑक्सीजन यूज में आ जाएगी भाई जिससे बायोलॉजिकल जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो बढ़ जाएगी ये क्लियर नेक्स्ट लिख दिया वैसे बायोकेमिकल होता इसका बायो है, है इसका हो। तो, तो उनके कंजप्शन में तो काम में आई ना हो तो मतलब कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस बढ़ने का मतलब बीओडी बढ़ना है तो बीओडी किससे मापी जाती है आपकी कि वाटर के अंदर कितने कार्बनिक प्रदूषक है कितने पोलियंट ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज ए वॉटर पोलियंट एंड कॉज स्टेरिलिटी इन ह्यूमन बीइंग मतलब कि ऐसा कौन सा मेटल है जो पानी के अंदर पोलियंट का काम करके स्टेरिलिटी मतलब बंदेता के लिए रेस्पॉन्सिबल है तो वो कौन सा है आपका मैग्निज क्लियर नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है सल्फर नाइट्रोजन और कार्बन डी ऑक्साइड व्यापक रूप से वायु प्रदूषक है लेकिन इनका कोई ज्यादा रोल नहीं है भाई इतना ये भी है ऐसी बात नहीं है फिर ये कह रहा है जो ड्रिंकिंग वाटर उसकी जो पीएच है वो 5.5 से 9.5 के बीच होनी चाहिए तो ये आपका 5.5 से न, ये 6.5 से 9.5 या 8.5 तक तो होनी चाहिए इतनी ज्यादा पीएच होने पर फिर वो क्या हो जाता है हार्मफुल हो जाता है मतलब ये तो फॉल्स हो गया ये भी हो गया फिर हाँ डीओ की अगर कंसंट्रेशन सिक्स पीपीएम से कम हो जाती है तो उसमें फिशेज वगैरह आराम से ग्रोथ कर सकती हैं लेकिन अगर इससे ऊपर चली गई तो फिर उनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी तो उसके लिए जो लिमिटिंग वैल्यू दी गई है वो क्या दी गई है सिक्स पीपीएम तो ये आपका सही है फिर प्योर वाटर तो देखो जैसे अपन कहते हैं ना आसू जल ठीक है डिस्ट्रिक वाटर उसकी तो बीओडी की वैल्यू होती है जीरो फिर उसके बाद में आता है क्लीन वॉटर क्लीन वॉटर की होती है आपकी दो से तीन के बीच फाइव पीपीएम से कम अब इसने फाइव से कम बोल दिया तो अगर फोर के आसपास आ गई तो वो तो मॉडरेटली क्लीन माना जाता है तो ये स्टेटमेंट पूरी तरह से सही नहीं है तो आपका कौन सा है थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज डी डी टी अमंग द फॉलोइंग देखो ग्रीन हाउस के लिए रेस्पॉन्सिबल बिल्कुल भी नहीं है डीडीटी ठीक है उसके लिए तो सीओ टू वगैरह वो रेस्पॉन्सिबल है ठीक है ए फर्टिलाइजर ये फर्टिलाइजर नहीं है ये तो कीटनाशक है भाई फिर बायोडिग्रेबल ना ये बायोडिग्रेबल नहीं है आपका ये नॉन बायोडिग्रेबल है मतलब पोलियंट का कारण बनता है क्लियर डी डी टी है क्या नहीं है अरे याद है कि नहीं है डी डी टी आपके एल के लिए लाइट में पढ़ते हो ना समझ गए बस तो वही हाँ तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन द पी एच ऑफ रेन वाटर इज अप्रोक्सीमेटली वर्षा के पानी की पी एच तो इसको आप याद रखिएगा डेटाबेस क्वेश्चन है फाइव पॉइंट सिक्स इसकी पी एच होती है हाँ एक चीज ध्यान में रखना थोड़ा अगर इसी रेन वाटर की पीएच फोर से कम हो जाती है अप्रोक्स फोर के आसपास आ जाती है तो उसको आप एसिडिक रेन बोलते हैं वो हार्मफुल होती है ठीक है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर पीने के पानी से मेथेमो ग्लोबिनेमिया होने का कारण है तो बिल्कुल ध्यान रखना नाइट्रेट की वजह से होता है तो देखो इनमें से नाइट्रेट कौन सा है ये। हाँ वो अलग बात है इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाए, जाए 50 पीपीएम से भी ज्यादा हो जाए पार्स पर मिलियन तब वो इसका रीजन बनती है क्लियर ये तो वैसे कैंसिल हो गए क्योंकि नाइट्रेट आयन की वजह से होती है ठीक है नेक्स्ट द मैग्जिम में प्रेसिक्राइब कंसन ऑफ ए कॉपर इन ड्रिंकिंग वॉटर मतलब कि पीने के जल में कॉपर की निर्धारित अधिकतम सांद्रता मैक्सिमम जहाँ तक की वॉटर अपना हार्मफुल नहीं हो अच्छा रहे देखो ये मिनरल्स है मानते हैं अपन कॉपर अपने शरीर के लिए ठीक रहता है पीने के लिए ऐसे और भी मिनरल्स होते हैं वो बॉडी को सही होती है ड्रिंकिंग वाटर में वो काम में आते हैं लेकिन अगर किसी की जो कंसंट्रेशन है वो अगर जितनी रिक्वायर्ड क्वांटिटी उससे ज्यादा हो जाती है तो वो हार्मफुल भी होती है तो कॉपर की वही क्वांटिटी पूछ रहा है जो जहां तक आप सर्वाइव कर सकते हो मतलब कि पानी के लिए ज्यादा हार्मफुल नहीं है ठीक है तो वो आती है आपकी तीन पीपीएम रीजन ऑफ लेंथेनोइड इज लेंथेनोइड संकुचन का कारण क्या है तो मैंने बताया था एप कक्षको का नगन्य आवरण बता दिया था पहले इफेक्ट आयरन की सबसे प्योर फॉर्म वो होती है रोट आयरन इसमें सबसे कम जीरो पॉइंट टू फाइव के समर्सेंट के समथिंग इसमें कार्बन होता है सबसे प्योर फॉर्म रोट आयरन होता है और सबसे इमप्योर फॉर्म होता है पिग आयरन ठीक है मेटलर्जी में पढ़ेंगे अपनी एजीसीएल वैन हीटेड विद एन ए टू सीओ थ्री जब एजीसीएल को जब एजीसीएल को आपका एन ए टू सीओ थ्री के साथ हीट किया जाता है तो क्या बनेगा तो आपका बनेगा एजी प्लस एन ए सी एल प्लस सीओ टू निकल जाएगी हीट करेंगे तो एजी बनेगा क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन जिंक वैन रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ जब जिंक की एनियोच के साथ रिएक्शन करवाई जाए तो जिंक की जब के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो बनता है एन ए टू जेड एन ओ टू तो जब भी आयनिक कंपाउंड का नाम लिखा जाता है तो वहां पर नंबर ऑफ आयन शामिल नहीं करते तो आप इसको देख के कहीं सोडियम डाई सोडियम जिंकेट मत कर देना ये सोडियम जिंकेट ही बोला जाएगा क्लियर नंबर ऑफ आयन यहां से करने की जरूरत नहीं है द बेसिक करेक्टर ऑफ द ट्रांजिशनल मेटल मोनोऑक्साइड फॉलोइंग तो एक चीज का आप हमेशा ध्यान रखो ऑक्साइड की जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है ना वो आयनाइजेशन एनर्जी के इनवर्सली होती है तो एल टू आर चलते हैं ना टेबल में तो क्या होता है वहां पर आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है और आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होने का मतलब बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी तो वेनेडियम आ गया टाइटेनियम आ गया फिर वेनेडियम आ गया फिर क्रोमियम आ गया फिर आयरन आ गया तो फर्स्ट आंसर इसका हो जाएगा क्लियर नेक्स्ट प्लास्टरो पेरिस की सेटिंग तो मैंने वही कहा था प्लास्टरो पेरिस जैसे लगा दिया तो सेटिंग किससे की जाती है जो उसको जिप्सम में बना दे कौन हाइड्रेटेड फॉर्म मतलब हाइड्रेशन किया जाएगा उसका बोला था नहीं है पहले ही नेक्स्ट क्वेश्चन मैग्नीशियम प्लस टू डज नॉट फॉर्म आरक्साइड ऑफ सुप्रोक्साइड बिकॉज ये कह रहा है कि मैग्नीशियम जो आयन है तो ये ना तो प्रोक्साइड बनाता है ना सुप्रोक्साइड तो एक चीज हमेशा ध्यान रखो प्रोक्साइड और सुप्रोक्साइड हमेशा लार्ज साइज वाले आयन बनाते हैं और मैग्नीशियम प्लस टू की साइज क्या होती है स्मॉल होती है इस वजह से ये प्रोक्साइड और सुप्रोक्साइड नहीं बना के सिर्फ क्या बनाता है आपका ऑक्साइड बनाता है एक चीज का ध्यान रखना प्रोक्साइड और सुप्रोक्साइड बनाना ये एस ब्लॉक की प्रॉपर्टी मानी जाती है क्योंकि एस ब्लॉक के जो मेटल्स होती है ना उनकी साइज लार्ज है तो उनके कैटाइन की साइज लार्ज होने की वजह से वो प्रोक्साइड भी बना सकते हैं और सुप्रोक्साइड भी लेकिन फर्स्ट ए में लिथियम सेकेंड ए में बेरिलियम और मैग्नीशियम आयन इन तीनों की साइज स्मॉल होने की वजह से ये सिर्फ ऑक्साइड बनाते हैं

इनको जब आप लिक्विड अमोनिया में डिजॉल्व करोगे तो क्या होगा मेटल एन एच थ्री एक मिनट यहाँ पे बना देते हैं पूरी रिएक्शन आएगी नहीं ये मेटल है इसके साथ मान लो एक्स प्लस वाई मोल किसके ले लिए एन एच थ्री के ले लिए एन एच थ्री के साथ लिक्विड तो मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है एक्स मोल मान लो इसके साथ जुड़ गए प्लस ए क्या बन जाएगा इलेक्ट्रॉन जो इसने रिलीज किया इसके साथ एने स्त्री की वायु मोल जुड़ जाएंगे ये होता है माइनस क्लियर तो कहा जाए कि जब भी किसी एल्कलाई मेटल को वाटर में सॉरी लिक्विड किया जाता है वो सोल्यूबल कंडक्टिविटी शो करता है तो दोनों रेस्पॉन्सिबल है क्योंकि फिर आए हैं ना दोनों ही लेकिन जब कलर की बात करें तो कलर अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है जब बात करें पैरामैग्नेटिज्म ये अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है इनके तो एक इलेक्ट्रॉन निकालते ही तो डायमैग्नेटिक हो जाएगा इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन ले लेगा तो कलर के लिए भी रेस्पॉन्सिबल सोलुएटेड इलेक्ट्रॉन है क्लियर है या मोनेटेड इलेक्ट्रॉन को बोल सकते हैं इसी प्रकार है पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए भी यही रेस्पॉन्सिबल है तो अपना आंसर क्या हो जाएगा सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन है कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल हाँ वो अलग बात है इसको अगर काफी देर तक इस एक जगह स्थिर रख देंगे तो एमाइड बन जाएगा जिसकी वजह से इसका कलर डिसअपियर हो जाएगा क्लियर इसका कंसंट्रेटेड जो सॉल्यूशन होता है वो ब्रॉन्ज कलर का होता है और डायल्यूट सॉल्यूशन होता है वो आपका कैसा होता है ब्लू कलर का होता है एफ़ प्लस थ्री कंपाउंड आर मोर स्टेबल देन एफ़ प्लस टू तो देखो एफ़ प्लस टू का कॉन्फिग्रेशन क्या होता है आर्गन थ्री डी सिक्स फोर एस जीरो और एफ़ प्लस थ्री का क्या होता है आर्गन थ्री डी फाइव फोर एस जीरो तो आपको पता है थ्री डी फाइव आने का मतलब है यह हाफ हिल है और हाफिल की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है इसलिए प्लस थ्री है ज्यादा स्टेबल है ये रहा सेकंड आंसर इसका हो जाएगा क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग

इसके इंडियम टाइटेनियम वेनेडियम दो अनपेड है भाई इसका लिखो आर्गन हो गया 3d3 क्रोमियम प्लस थ्री का तीन अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसका लिखो आर्गन हो गया 3d10 डी अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ जीरो है यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन तीन थे यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन दो है इसके पास आ जाओ टाइटेनियम तो इसका क्या आ जाएगा तीन इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया तो आर्गन थ्री डी वन इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन एक है तो जिसका अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो वो कलरलेस तो आपका आंसर कौन सा आया थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ऑक्साइड मैग्नीज अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ मैंने अभी बताया था कि डी ब्लॉक वाले लोअर में तो बेसिक होते हैं मॉडरेट में कैसे आ जाते हैं इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन एम्पोटे और हायर में कैसे हो जाते हैं एसिडिक हो जाते हैं तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेज इंक्रीज होगी वैसे वैसे एसिडी की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी तो देखो ये प्लस सेवन है या आपका प्लस फोर है या आपका कैसा है प्लस थ्री है इसमें प्लस टू और प्लस थ्री का मिक्सिंग होता है और ये प्लस टू हो गया तो मेरे हिसाब से आपका आंसर फर्स्ट ही आ गया क्लियर नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेज निकाल लानी चाहिए भैया आपको फिर आता है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट रिएक्ट रिए पोटेशियम आयोडाइड एंड ऑक्सीडाइज इट टू आई टू यह कह रहा है पोटेशियम डाइक्रोमेट है आपका के टू सी आर टू ओ सेवन ये एसिडिक मीडियम में आयोडाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है आई टू में तो बिल्कुल खुद क्रोमियम प्लस थ्री में चला जाएगा और क्रोमियम प्लस थ्री में जाकर के ग्रीन कलर देगा तो यही तो पूछा है क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेज क्या होगी तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेज होगी प्लस थ्री तो देखो ये अपना अपना एपिसोड सत्रवा कंप्लीट होता है जिसमें डी ब्लॉक ए ब्लॉक एस ब्लॉक हाइड्रोजन और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को इंक्लूड किया है इसमें दो चीज है ना आपको सही बताऊं हाइड्रोजन और एनवायरमेंटल ये आप सेल्फ स्टडी में थोड़ा अच्छे से लें इसमें क्वेश्चन आपको पता चल गया कैसे कुछ लगभग क्वेश्चन डेटाबेस होते हैं तो आपको याद करने पड़ेंगे इसके अलावा जब टेबल और केमिकल बॉन्डिंग आती है तो ये समझ लो ब्लॉक सिस्टम वहीं खत्म हो जाता है लगभग वहीं आ जाते हैं कुछ एक रिएक्शन होते हैं जो अपने को ध्यान में देनी होती है क्लियर तो जैसा की अपने सेलजी ने वादा किया था कि आपके सारे के सारे सिक्स दिन के अंदर केमिस्ट्री पंच के वीडियो मिल जाएंगे तो उसी मुहिम के अकॉर्डिंग आपको ये सत्रवा पंचवी जल्द ही प्रोवाइड करवा दिया गया है और ऐसे आपके आने वाले तीन दिन के भीतर जो भी बच्चे हुए हैं वो सारे मिल जाएंगे बस आपको साथ लगे रहना है सीएलसी के साथ बने रहना है पढ़ना है ओके जय सी थैंक यू